हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग बैटल टूर्नामेंट जो चल रहा है ओलम ट्रेड पे, उस पर किस तरीके से हम बैटल करने वाले हैं और देखते हैं गाइस के एंड रिजल्ट क्या निकलता है। रैंडमली बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और हमारे सामने भी एक रैंडम ट्रेडर आएगा और वो हमसे कंपीट करेगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है या हम। तो आज का ये जो वीडियो है गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखना। ओके, यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ट्रेडिंग बैटल। तो आप सभी जानते हैं कि ओलम ट्रेड में काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट चलते रहते हैं गाइस, जिसके थ्रू आप लोग अच्छा खासा एक्सपी अर्न कर सकते हो और बहुत सारे प्राइजेस और कैश प्राइज भी विन कर सकते हो, जो प्राइस डायरेक्टली आपके लाइव अकाउंट में ऐड हो जाते हैं और जिसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो अगर आप कैश में वहाँ पे विन करते हो तो। ओके, तो मेक श्योर कि इस वीडियो में दिए हुए सारे सजेशंस को आप भी अप्लाई करना इस टूर्नामेंट में विन करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप जाएंगे इवेंट सेक्शन पे और इवेंट सेक्शन पे आप देख सकते हैं बैटल्स। ओके, यहाँ पे बैटल चल रहा हुआ है, ट्रेडिंग बैटल्स, जिसमें है 260 ट्रेडर्स इन द बैटल्स। यहाँ पे आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है गाइस, 260 ट्रेडर्स हैं। इनमें से कोई एक रैंडम ट्रेडर हमें मिलेगा जो हमारे साथ करेगा कम्पीट, हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और हम बनाएंगे वहाँ पे प्रॉफिट। ओके, अगर हमें वहाँ पे लॉस होता है गाइस, तो डेफिनेटली जो हमारा ओपोनेंट है वो विन कर जाएगा इस बैटल को और हम लॉस कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बैटल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बैटल पे क्लिक करना है गाइस और यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि जो ज़्यादा अच्छा ट्रेड करेगा, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाएगा, वही यहाँ पे विनर होगा। ओके, ट्रेड का जो ये टूर्नामेंट का ड्यूरेशन होगा, आपका बैटल का ड्यूरेशन होगा गाइस, वो होगा 8 मिनट का। यहाँ पे आपके पास लाइव अकाउंट होना चाहिए और सिर्फ ये फिक्स टाइम ट्रेडिंग पे ही काम करेगा। ओके, तो देखते हैं गाइस क्या होता है आज। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ओपोनेंट के लिए, देखते हैं कौन हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कौन सा ट्रेडर हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं फया जी। ओके, फया जी हमारे साथ ट्रेडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि ये विन करते हैं या हम विन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये बैटल गाइस, तो मेक श्योर आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना किसी भी पार्ट ऑफ द वीडियो, नहीं तो आप लोग मिस करोगे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स को। यहाँ पे मैंने आई एम रेडी कर दिया है और यहाँ पे हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है सामने वाले ने भी और हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्रेड। हमारे पास है 8 मिनट का टाइम गाइस और यहाँ पे हमें बनाना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम यहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस, हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को देखना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है ऑलमोस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा पहला ट्रेड होगा गाइस, वो होगा $1,000 का और मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मिनट के लिए। तो मैंने पहला ट्रेड यहाँ प्लेस किया है $1,000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। देखते हैं कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देता है या लॉस। यहाँ पे मेरा ओपोनेंट है वो किसी और चार्ट पे ट्रेड कर रहा है गाइस, हम यहाँ यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं और अभी हमारे पास जो टाइमिंग है हमारे ट्रेड की उसको भी चेक करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मार्केट जस्ट अपोजिट जा रहा है हमारे ट्रेड के। वेट करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहिए गाइस, प्रॉफिट ही चाहिए। अगर यहाँ लॉस होगा तो हम यहाँ पे लॉस के साथ साथ इस बैटल को भी लॉस कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि ये है एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पे मार्केट आया है पहले भी, और यहाँ से हम एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे बट हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की है और मुझे लगता है ये यहाँ पे मुझे लॉस मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड प्लेस करूँगा 1 मिनट का $3,000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मैंने ट्रेड प्लेस किया है और सामने वाले जो मेरा ओपोनेंट है उसने $3,100 का ट्रेड प्लेस किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। तो मैं यहाँ पे $2,000 का एक और ट्रेड प्लेस करूँगा और ये ट्रेड होगा मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही 1 मिनट के लिए। तो टोटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है $5,000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ओपोनेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो $3,100 का ट्रेड ओपन है और 1 मिनट ड्यूरेशन के लिए, हमारे सेम ड्यूरेशन के साथ ही उन्होंने ट्रेड प्लेस किया है।
एंट्री पॉइंट हमारे 2000 एंड 3000 की सेम है, बट जो नीचे वाला 3000 है गाइस, इसको मुझे लगता है कि मुझे क्लोज करना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव मी अ लॉस। तो मैं इसको यहाँ 50% के साथ सॉरी नहीं कर पाया मैं, ये टाइम निकल गया। लेट्स सी कि क्या होता है हमारे साथ। और यहाँ पे जो हमारा पहला ट्रेड है वो लॉस हो गया है, बट दूसरा ट्रेड अभी भी सही चल रहा है। देखते हैं क्या होता है दूसरे ट्रेड के साथ। यहाँ पे वेट करेंगे हम कुछ ही सेकंड्स का। बहुत ही क्लोज है गाइस ये, और ये देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है और ये हमें फ्लैट मार्केट प्रोटेक्शन का फ़ायदा मिला, और यहाँ से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट टच करके उसको गया है। तो ये ट्रेड हमारा जो लास्ट ट्रेड था वो हमारा जो लास्ट ट्रेड था $2000 का, वो रिफंड हुआ है हमें। ओके, यहाँ पे मैं एक और ट्रेड प्लेस करूँगा और अब मेरा जो ट्रेड होगा वो 2 मिनट का होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। $2000 के दो ट्रेड मैंने प्लेस किए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और यहाँ से जो मार्केट है गाइस वापस से इस पोर्शन पे आना चाहिए जहाँ पे ये पहले भी आ चुका है, ये वाले पोर्शन पे, और यहाँ से वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। लेट्स वेट। जो हमारे ओपोनेंट हैं उन्होंने एक और ट्रेड प्लेस किया है, वो है $2100 का, और यहाँ से गाइस हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, यहाँ पे हमारे लाइव अकाउंट बैलेंस को भी देखते हुए ट्रेडिंग करनी है। वेट करूँगा मैं यहाँ, और हम यहाँ पे लेंगे $5000 का एक ट्रेड जो होगा गाइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, बट मैं प्लेस करूँगा उसको थोड़ा सा देर बाद जैसे ही मुझे एक परफेक्ट एंट्री मिलती है, और मैं प्लेस करूँगा उसको। वेट करूँगा। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया $5000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। लेट्स वेट। यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गाइस, क्योंकि मार्केट वापस से इस जोन को अगर क्रॉस करता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही आएगा, जैसे प्रीवियस टाइम पे भी आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीवियस टाइम पे भी मार्केट उस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया था। लेट्स वेट। $5000 का हमारा ट्रेड यहाँ पे लगा हुआ है, और बहुत ही जल्दी इसका भी हमें रिजल्ट मिलेगा। इस टूर्नामेंट को आप बहुत ही सीरियसली वे में प्ले करना गाइस, अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो आप मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, और ये लास्ट मूवमेंट है हमारे लिए दोनों ही ट्रेड के लिए। तो हमारा $5000 का ट्रेड विन हो चुका है यहाँ पे, और $2000 के दोनों ट्रेड अभी चल रहे हैं, और ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन होता है। $2000 के भी दोनों ट्रेड हमारे यहाँ विन हो चुके हैं गाइस, ऑलमोस्ट हम अभी सेम लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक और ट्रेड प्लेस किया $5000 का। बस ये कंसोलिडेशन में नहीं फंसना चाहिए मार्केट यहाँ पे गाइस, इसको नीचे आना चाहिए ऑलमोस्ट नीचे वाले पॉइंट तक, जो आप देख सकते हैं नीचे वाला जो सपोर्ट एरिया है इस पॉइंट तक मार्केट को आना चाहिए। लेट्स वेट, मार्केट यहाँ तक आता है या नहीं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ये एक रेंज है गाइस, यहाँ से मार्केट ने रिटर्न लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड को सेल आउट कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे ट्रेड को सेल कर दिया है, और अब हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे 5000 का। दो ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं $5000 के। लेट्स वेट। मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला हुआ है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन। ये शो करता है कि मार्केट की जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की है, और इस पोर्शन से जैसे प्रीवियस टाइम पे मार्केट यहाँ से इस लेवल से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गया था, उसी लेवल से वापस से नीचे रेजिस्टेंस लेके जा रहा है। एंड वी हैव ओनली 1:23 लेफ्ट, उसके बाद ये टूर्नामेंट एंड हो जाएगा, उसके पहले हमारा ये ट्रेड विन हो जाना चाहिए। लेट्स वेट। यस, द मार्केट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कुछ ही टाइम बचा हुआ है गाइस, बहुत ही लास्ट मोमेंट चल रहा है अभी हमारा। वी हैव ओनली 2 seconds लेफ्ट, 1 second, एंड यस वी हैव won द ट्रेड। यहाँ हमने ट्रेड विन किया गाइस, और हमारे पास
प्रॉफिट भी आ चुका है और हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट टूर्नामेंट भी विन कर ही लिया है। बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है गाइस इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने के लिए, 43 सेकेंड्स बचे हुए हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ पे गेन किया विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए। देखते हैं कि एंड का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट 28 सेकेंड्स बचे हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 111.03% हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है वो ज़्यादा है हमारे कंपिटिटर से, और कंपिटिटर्स के सामने हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं और हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे इस टूर्नामेंट को विन करेंगे। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या मिलता है देखने को। हमारे टाइम ख़त्म होने के पहले यहाँ पे कॉम्पिटिटर कोई ट्रेड ना ले ले, ओके। तो यहाँ पे हम विन करते हैं इस टूर्नामेंट को, हमें यहाँ विक्ट्री मिली है, आप देख सकते हैं ये है रिजल्ट आपके सामने। यहाँ हमें विक्ट्री मिली है, +227,900 XP मिले हैं हमें यहाँ पर गाइस, और आप देख सकते हैं जो टोटल XP हमारे पास हो गया है वो हो गया है 455,800, ओके। यहाँ पे हमने ये बैटल हमारे ओपोनेंट से विन किया है बिकॉज हमें है नॉलेज अबाउट द प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। इसी तरीके से हम VIP में भी प्रॉफिट बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना तो बहुत ही इजी था, बट यस मज़ा आया इस बैटल को फाइट करके। आई होप आपको भी ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा गाइस। तो आपके सामने ये मैंने सारे ट्रेड्स प्लेस किए थे और सारे ट्रेड्स मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिए हुए थे और यहाँ हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन किया, प्लस XP भी गेन किए हैं गाइस। और देखते हैं आगे करने पे क्या आता है, यहाँ प्रोसीड करने पे जो हमारी रैंकिंग है वो थर्ड नंबर पे आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लीग में हम थर्ड नंबर पे अभी हैं, इसको भी हम बहुत ही आसानी से फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर बैटल को देख के। ये बैटल आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हुए करें। और गाइस अगर आपको मौका मिलता है अच्छे ट्रेड्स लेने का तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अच्छे जितने ज़्यादा आप बड़े अमाउंट के ट्रेड लेंगे उतनी ही ज़्यादा XP बढ़ेंगी और उतना ही ज़्यादा आपके विनिंग के चांसेस रहेंगे। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।